नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट, तो इकोनोमाइज क्या करेगा कि जो फीड वाटर है उसको हीट करेगा, जो हम बॉयलर को वाटर दे रहे हैं वो डायरेक्ट कूल वाटर नहीं जाएगा, उसको हीट करेगा। तो सबसे पहले हम जो इकोनोमाइजर है उसका प्रोसेस समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इकोनोमाइजर के बारे में बहुत से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा इकोनोमाइजर है, ये ट्यूब टाइप का दिखाया यहाँ पे, इसमें ट्यूब होंगे, जैसे ये एक ट्यूब, ये दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब, चौथा ट्यूब, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट के हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखी थी, यहाँ से रिवर से हम वाटर लाते हैं, उसको हीट करते हैं और उसके बाद में और हम इकोनोमाइजर में दे देते हैं। यह है हमारा इकोनोमाइजर। तो इसमें क्या होगा, वाटर यहाँ से हम इनलेट दे रहे हैं, यह हमारा इनलेट हो गया, तो वाटर इस तरह से आएगा यहाँ पे और प्रेशर के वजह से ये इस ट्यूब से होके ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो हम दिखा रहे हैं ये है वाटर। अब क्या होगा, इस वाटर का आउटलेट यहाँ पे है, हम लिख लेते हैं, ये है हमारा आउटलेट। तो आउटलेट से वाटर इस तरह से अब आएगा और यहाँ से होते हुए ये जाएगा बॉयलर में, ये दिखाया है यहाँ पे बॉयलर। अब बॉयलर का काम क्या है कि इसमें जो वाटर है उसको ओवर हीट करना, और थर्मल पावर प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बॉयलर। तो हमने क्या किया था कि बॉयलर को गर्म करने के लिए यहाँ पे हमने कोल जला के, इसके नीचे कोल जला के हमने वाटर को गर्म किया था, और गर्म करने के बाद जो कोल है, जो एक्सेस फ्यूल है या एक्सेस हीट है, एक्स्ट्रा की जो हीट है, हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते थे जो चिमनी हमने लगाई थी उसके थ्रू। तो वो जो चिमनी के थ्रू गैस बाहर जा रही थी वो एक तरह से हीट गैस थी, तो उसी हीट गैस का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। जैसे वो जो वेस्टेज गैस थी वो हम यहाँ से पास करेंगे इस तरह से, इसको हम बोलेंगे फ्ल्यू गैस, या तो फिर बोलेंगे वेस्ट गैस। इस वेस्ट गैस को हम जो इकोनोमाइजर के ट्यूब्स है उसके ऊपर छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर छोड़ देने के वजह से क्या होगा कि ये जो ट्यूब है ये हॉट हो जाएगी, और हॉट होने की वजह से इसके अंदर से जो वाटर जा रहा है वो भी हीट होकर बॉयलर में चला जाएगा। तो इससे हमें पता है कि ये प्रोसेस, इसमें इकोनोमाइजर में हम बाहर से कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ जो वेस्टेज गैस है उसके थ्रू ही हम इस इकोनोमाइजर के हेल्प से वाटर को गर्म कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो थर्मल पावर प्लांट है या स्टीम पावर प्लांट है, इसकी जो टोटल इफिशियंसी है अकेले इकोनोमाइजर के वजह से 8% की इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा का कोई भी फ्यू या कुछ भी सोर्स नहीं दे रहे, ये अपने आप ही जो वेस्टेज गैस है उसके थ्रू वाटर को हम हीट कर रहे। अब प्रोसेस क्या होगा इसमें कि इस के ऊपर से फ्ल्यू गैस जा रही है, तो फ्ल्यू गैस जाने के वजह से ये जो पाइप है ये बनी है हमारी कास्ट आयरन से। तो कास्ट आयरन के बनने के वजह से कुछ समय के बाद इसमें जंग लग जाएगा इसके ऊपर, पाइप के ऊपर। तो जंग लगने के वजह से ये जो वेस्टेज गैस है वो जंग के ऊपर लगेंगी, पाइप पे डायरेक्टली नहीं जाएगी, तो हमारा जो वाटर है वो हीट नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगाए स्क्रैपर। स्क्रैपर इस तरह से रहेंगे,
इस तरह से स्क्रैपर हमने यहाँ पे लगाए। अब इस स्क्रैपर का काम क्या रहेगा कि ये मूवेबल रहेंगे, इस तरह से ये मूवेबल रहेंगे। तो मूवेबल रहने के वजह से इस पे जो जंग है वो क्या करेगा, स्क्रैपर निकाल देगा। मूवेबल रहेंगे तो इसके ऊपर जंग लगने नहीं देगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा। तो हमें जो वाटर बॉयलर में फीड करना है, बॉयलर को हमें जो वाटर देना है, उस वाटर को हीट करके कौन लाता है, इकोनोमाइज़र। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि इकोनोमाइज़र इज़ यूज टू हीट, मतलब इकोनोमाइज़र किसको हीट करता है, जो बॉयलर को हम फीड वाटर देंगे, जो हम बॉयलर को वाटर देंगे। तो इससे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीड वाटर। तो इससे इकोनोमाइज़र का जो है पूरा फंक्शन भी हमने समझ लिया और इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इकोनोमाइज़र की इफ़िशेंसी कितनी है। उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि इफ़िशेंसी ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर की जो इफ़िशेंसी है वो कितनी रहेगी। तो बॉयलर की इफ़िशेंसी 70-80% होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि जो फ्लू गैस वेस्ट गैस है हम लास्ट में चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वो चिमनी की इफ़िशेंसी कितनी होगी। तो चिमनी की इफ़िशेंसी होंगे 0.25%। या फिर जो टोटल थर्मल पावर प्लांट है तो उसकी इफ़िशेंसी कितनी होगी। तो टोटल थर्मल पावर प्लांट की इफ़िशेंसी हमारी हो जाएगी 80-20%। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर है, हम कंसेप्ट पे ही फोकस देते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है तो हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो हम उसको इजीली डील कर सकते हैं। तो ये था हमारा इकोनोमाइजर।